हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की पर्यावरण अध्ययन की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हमने पिछली क्लासेस में जीव जगत के परिवार के बारे में पढ़ा था और आज हम कुछ अन्य जीव जगत के परिवार के विषय में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें, आज की क्लास में पहला जो टॉपिक है वो है मधुमक्खी। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये दिया हुआ है, ये वही पॉइंट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं चैप्टर्स के अंदर। तो मधुमक्खी की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। मधुमक्खी भी एक सामाजिक कीट है, यानी इसका भी ये समूह में रहती है। ठीक है, मधुमक्खियां जो होती हैं समूह में रहती हैं। आपने देखा होगा, छत्ते देखे होंगे मधुमक्खियों के। तो ये क्या है, सामाजिक कीट है, समूह में रहती है। यानी इनके समूह में कौन कौन रहता है, रानी मक्खी रहती है, नर मक्खी रहती है और श्रमिक मक्खियां रहती हैं। नर मक्खी रहती है, रानी मक्खी होती है और श्रमिक मक्खियां होती हैं, और इन सब का काम डिवाइड होता है। ठीक है, रानी मक्खी का कार्य होता है अंडा देना, मींस अंडे देने का कार्य कौन करती है, रानी मक्खियां करती हैं। नर मक्खियों का कोई काम ज्यादा खास नहीं होता है, और जो श्रमिक मक्खियां होती हैं ये रस ढूंढने का कार्य करती हैं और छत्ता बनाने का कार्य करती हैं। रस ढूंढना और छत्ता बनाने का कार्य करती हैं, यानी कि रस ढूंढना, अगर जैसे कि कहीं पेड़ फूलों में रस मिल गया तो ये क्या करती है, एक टाइप का नृत्य करना स्टार्ट कर देती है, जिससे और मधुमक्खियों को पता चल जाता है और वे भी वहीं पहुंच जाती हैं। ठीक है, एक टाइप से इनका नृत्य स्टार्ट हो जाता है वहीं पे, और जिससे कि दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ उस जगह पे ज्यादा शहद मीन्स रस है, फूलों में ज्यादा रस है, तो वो वहां पे एकत्रित हो जाती है और वहां रस निकालने का कार्य स्टार्ट कर देती है। तो आपने देखा कि जो समूह में रानी मक्खी है उसका कार्य क्या है, अंडे देने का कार्य है। श्रमिक मक्खियों का कार्य है रस ढूंढना, ठीक है, रस ढूंढना, और छत्ता बनाने का कार्य श्रमिक मक्खियों का होता है। इसी वजह से हम मधुमक्खी को क्या कहते हैं, सामाजिक कीट कहते हैं। सामाजिक कीट है, ठीक है, समूह में रहती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपिकल्चर कहलाता है। याद रखना है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपिकल्चर कहलाता है। लीची के वृक्ष में मधुमक्खियों को बहुत उभाते हैं, यानी कि जो मधुमक्खियों को लीची के वृक्ष, ठीक है, लीची के वृक्ष में फूल निकलते हैं और वो जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, बहुत ज्यादा लुभाते हैं। और ये लीची के जो वृक्ष हैं ज्यादातर बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में पाए जाते हैं, जब सबसे ज्यादा, यानी कि वहीं पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो लीची के वृक्ष पाए जाते हैं वो बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में पाए जाते हैं। यहीं पे मधुमक्खी पालन का कार्य सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। और ये इसमें जो लीची का वृक्ष होता है, इसमें जो फूल निकलते हैं, लीची के वृक्ष में जो फूल निकलते हैं वो फरवरी माह में आते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो लीची के वृक्ष में जो फूल निकलते हैं वो फूल कब निकलते हैं, फरवरी माह में, ठीक है। अक्टूबर दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खियां अंडे कब देती हैं, अंडे देने का जो समय है वो अक्टूबर से दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय है। मधुमक्खी पालन स्टार्ट करने का सबसे उपयुक्त समय यही माना जाता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन स्टार्ट करने का जो उपयुक्त समय है वो अक्टूबर से दिसंबर को माना जाता है। फिर आप देखिए कि मधुमक्खी के एक बक्से से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी के एक बक्से से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। तो देखा कि मधुमक्खी की क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, समूह में रहती है, रानी मक्खी रहती है, नर मक्खी रहती है, श्रमिक मक्खियां रहती हैं। श्रमिक मक्खियों का कार्य क्या होता है, नर मक्खी का कार्य कोई खास नहीं होता है, और मादा जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देने का कार्य करती है। लीची के वृक्ष में लीची के जो वृक्ष होते हैं वे मधुमक्खियों को बहुत ज्यादा लुभाते हैं, ठीक है, उसमें जो फूल निकलते हैं लीची के वृक्ष में वो कब निकलते हैं, फरवरी माह में निकलते हैं। मधुमक्खी अंडे देने का समय, मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कब से कब तक होता है, अक्टूबर से दिसंबर माह का होता है। इसी वजह से मधुमक्खी पालन स्टार्ट करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। कहाँ पे सबसे ज्यादा लीची के वृक्ष पाए जाते हैं, मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, ठीक है। तो आपने देखा कि मधुमक्खी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम चींटियों के बारे में पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक में चींटियों के विषय में भी दिया गया है। तो चींटियों के विषय में, चींटियां क्या है, ये भी एक सामाजिक प्राणी है, मिलजुल के कार्य करती है, ठीक है, समाज में रहती है। इनमें से
रानी चींटियों का कार्य होता है अंडे देने का। आपने यहाँ पे भी देखा रानी मधुमक्खी, रानी मक्खी जो होती है वो अंडे देने का कार्य करती है, उसी प्रकार से रानी चींटियां जो होती है वो भी अंडे देने का कार्य करती है। इसमें क्या है, सिपाही चींटियां होती है, सिपाही चींटियां क्या करती हैं, बिल का ध्यान रखती हैं, ठीक है, बिल के आसपास रहती हैं, बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियां जो होती हैं वो भोजन ढूंढकर बिल तक लेके आती हैं, यानी भोजन की तलाश करने जाती हैं, और जब भोजन मिल जाता है तो उसको बिल तक लेकर आती हैं। ये कार्य किसका होता है, श्रमिक चींटियों का, मीन्स काम करने वाली चींटियों का। चींटियां चलते समय एक टाइप की गंध फेंकती हैं, ठीक है, गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे वाली जो चींटियां होती हैं वो क्या होती है, अपना रास्ता ढूंढ लेती है। देखा होगा चींटियां ज्यादातर लंबी कतारों में चलती हैं, एक चींटी के पीछे एक चींटी, ज्यादातर आप घर में भी देखिए कहीं दीवार पे जा रही होंगी, ठीक है, तो एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी, दूसरी के पीछे, इस टाइप से एक लंबी सी लाइन चली जाती है। तो क्या होता है कि चींटियां चलते समय एक गंध छोड़ती है, जिसकी वजह से, जिसको सूंघ कर पीछे वाली चींटियां क्या करती है, रास्ता ढूंढ लेती है, ठीक है। तो आपने देखा कि मधुमक्खियों की क्या विशेषताएं हैं, चींटियों की क्या विशेषताएं हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्लॉथ, ठीक है। स्लॉथ ये भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं है, ध्यान रखिएगा, भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं है। इसकी खासियत क्या है, दिन में करीब 17 घंटे, सोचिए 24 घंटे में से 17 घंटे ये सोता है, ठीक है, दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा सिर लटका कर मस्ती से सोता रहता है, उल्टा लटक के सोता है, ठीक है। भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, 17 घंटे की नींद लेता है, पेड़ पे उल्टा सिर लटका के सोता है, सप्ताह में एक बार शौच के लिए नीचे उतरता है, केवल वीक में एक बार ये पेड़ से नीचे उतरता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक है, सबसे सिंपल लाइफ है इनकी। 40 वर्ष के अपने जीवन में कुल 8 पेड़ों पर रहते हैं, इनकी जो लाइफ है वो 40 वर्ष की है, और ये पूरे 40 वर्ष में, ठीक है, केवल टोटल 8 पेड़ों पर रहते हैं, और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाते हैं, ठीक है। विश्व में कहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं स्लॉथ, विश्व में मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, मध्य अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में स्लॉथ पाए जाते हैं, यानी भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। कितने घंटे की नींद लेता है, 17 घंटे की, ठीक है, पेड़ पे उल्टा सिर लटका के सोता है मस्ती के साथ में, एक बार सप्ताह में एक बार केवल शौच के लिए ये नीचे उतरता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी के ये पत्ते खाता है, 40 वर्ष की उम्र होती है, और टोटल कितने पेड़ों पर यह वास करता है, 8 पेड़ों पर, अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर, ठीक है। विश्व में मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है। फिर शेर के बारे में, जैसे बाघ की विशेषता है उसी टाइप की शेर की भी विशेषता है, काफी मिलती जुलती हैं। तो शेर जंगल का राजा कहलाता है, पता होगा आपको, समूह में रहता है और इस समूह का नेतृत्व शेरनी करती है, ठीक है। देखने की क्षमता मानव से 6 गुना ज्यादा होती है, जो शेर की देखने की क्षमता होती है वो मानव से 6 गुना ज्यादा देख सकता है। जन्म के समय बच्चे का वजन जो होता है वो 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है, 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। औसत आयु 10 से 15 वर्ष की होती है, अगर कैद में इसको पिंजड़े में रखा जाए तो इसकी आयु 20 वर्ष होती है, ठीक है। वैसे नॉर्मल इसकी 10 से 15 वर्ष होती है, अगर इसको कैद करके रखा जाए तो 20 वर्ष होती है। भारत में सर्वाधिक ये गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में, वहीं पे सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं। तो देखा जंगल का राजा है, ठीक है, जंगल का राजा कौन है, शेर है, समूह में रहते हैं, नेतृत्वकर्ता कौन होती है, शेरनी होती है, देखने की क्षमता मानव से 6 गुना ज्यादा होती है, जन्म के समय जो बच्चा होता है शेर का उसका वजन 2.5 से 3 किलोग्राम होता है, औसत आयु की बात करते हैं तो 10 से 15 वर्ष की होती है, और अगर हम कैद में रखें तो 20 वर्ष की होती है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि मधुमक्खियों की क्या विशेषताएं हैं, चींटियों की क्या विशेषताएं हैं, स्लॉथ की क्या विशेषताएं हैं, और शेर की क्या विशेषताएं हैं। अब हम डॉल्फिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और कुछ और रह गए हैं, उनको भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो डॉल्फिन की क्या क्या विशेषताएं हैं, डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय
जीव कहलाता है, जलीय जीव है, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। इसकी विशेषता है फेफड़ों द्वारा श्वास लेता है, ठीक है। ये कहां से श्वास लेता है? डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, फेफड़ों द्वारा सांस लेता है, ज्यादातर मछलियां गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं, ठीक है, फेफड़ों द्वारा। स्तनधारी जीव है, इसकी तीसरी विशेषता है स्तनधारी जीव है, बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। डॉल्फिन जो है वो बच्चों को, स्तनधारी जीव है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है बहुत ही बुद्धिमान है, बुद्धिमान प्लस विवेकशील है, विवेकशील प्राणी है, ठीक है, बहुत ही बुद्धिमान है प्लस विवेकशील प्राणी है, ठीक है। भारत में जो राष्ट्रीय जलीय जीव जो घोषित किया गया है, ये जो जलीय जीव है वो अंधी डॉल्फिन को घोषित किया गया है, अंधी डॉल्फिन को घोषित किया गया है, ठीक है। नॉर्मल डॉल्फिन को घोषित नहीं किया गया है, अंधी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अंधी डॉल्फिन जो है वो कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी में। और गंगा नदी बहुत बड़ी है, लेकिन कहाँ पे ये पाई जाती है याद रखिएगा, ये जो पाई जाती है इलाहाबाद से पटना के बीच में, इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज बोलते हैं, इलाहाबाद से पटना के मध्य में, यानी इसके बीच में जो गंगा नदी है, ठीक है, इलाहाबाद से पटना के मध्य में जो गंगा नदी है उसमें ये अंधी डॉल्फिन पाई जाती है, और इसी अंधी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो आपने देखा कि डॉल्फिन क्या है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है, और किसे घोषित किया गया है? अंधी डॉल्फिन को। अंधी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी में। कहाँ से कहाँ के बीच में? इलाहाबाद से पटना के बीच में गंगा नदी में अंधी डॉल्फिन पाई जाती है, उसी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसकी विशेषता है फेफड़ों द्वारा सांस लेती है, स्तनधारी जीव है, और बहुत ही बुद्धिमान प्लस विवेकशील जीव है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीली व्हेल के बारे में। नीली व्हेल, ठीक है, नीली व्हेल, नीली व्हेल की खासियत यह है कि ये पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है, ठीक है। अगर पूछा जाए पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन है, तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव जो है वो नीली व्हेल है, ठीक है। इसकी खासियत है कि ये एक स्तनधारी जीव है, स्तनधारी, अभी आपने डॉल्फिन के बारे में पढ़ा था, उसी टाइप से नीली व्हेल भी क्या है, स्तनधारी जीव है, ये भी फेफड़ों द्वारा सांस लेती है, और सबसे ज्यादा ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है, प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा जीव है, स्तनधारी है, फेफड़ों द्वारा श्वास लेती है, और सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा नीली व्हेल पाई जाती है। नेक्स्ट है मकड़ी की विशेषता देखिएगा, 8 पैर होते हैं, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, ठीक है, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, और मकड़ी जो है याद रखिएगा कि मकड़ी जो है वो सामाजिक प्राणी नहीं है। जैसे अभी आपने मधुमक्खियों के बारे में पढ़ा, चींटियों के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये सब सामाजिक प्राणी हैं, अपने समाज में रहती हैं, इनका कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन मकड़ी जो है वो सामाजिक प्राणी नहीं है, क्योंकि जब जो मादा मकड़ी होती है, मादा मकड़ी वो जब गर्भ धारण कर लेती है, जब
गर्भ गर्भ धारण कर लेती है तो तुरंत उस बाद में, जैसे ही गर्भ धारण करती है तुरंत बाद में ये क्या करती है, नर मकड़ी को मार देती है, मार देती है। सोचिए ये सामाजिक प्राणी कैसे हो सकती है, जब ये जो मादा मकड़ी है वो नर मकड़ी को तुरंत ही मार देती है गर्भ धारण के बाद में, तो ये सामाजिक प्राणी कैसे है? क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा सामाजिक प्राणी है, ठीक है, कौन सा असामाजिक प्राणी है, तो ये सामाजिक प्राणी नहीं है मकड़ी। इसके कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं, सामाजिक प्राणी नहीं है, क्योंकि ये मादा मकड़ी जो होती है वो गर्भ धारण के तुरंत बाद में क्या करती है, अपनी नर मकड़ी को तुरंत मार डालती है, ठीक है। आपने देखा कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेशम कीट के बारे में। रेशम कीट के बारे में, तो रेशम सैतूत के वृक्ष पर पाला जाता है, रेशम कीट जो होता है रेशम कीट, ठीक है, सैतूत के वृक्ष पर, सैतूत के वृक्ष पर, ठीक है, रेशम कीट का पालन कहाँ होता है, सैतूत के वृक्ष पर, ठीक है, सैतूत के वृक्ष पर। इसे क्या कहते हैं, सेरी कल्चर, सेरी कल्चर, रेशम पालन क्या कहलाता है, सेरी कल्चर कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा, सेरी कल्चर रेशम पालन को कहा जाता है। सैतूत के वृक्ष पे रेशम का कीट पाला जाता है, रेशम कीट कहाँ पे, कौन से वृक्ष पे, सैतूत के वृक्ष पे। मधुमक्खी पालन लीची के वृक्ष पे, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसकी खासियत है कि जो नर रेशम होती है वो अपनी मादा को, नर जो रेशम होती है, नर रेशम वो अपनी मादा रेशम को, वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है, ठीक है, कई किलोमीटर दूर से ही क्या करती है, पहचान लेती है। नर रेशम जो होती है वो अपनी मादा रेशम को कई किलोमीटर दूर से, कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती है, पहचान लेती है। अभी आपने मकड़ी की विशेषताएं पढ़ी, मकड़ी क्या करती है, जो मादा मकड़ी होती है वो अपने नर मकड़ी को तुरंत ही मार देती है गर्भ धारण के बाद में। और वहीं आप देखिए रेशम कीट के बारे में कि नर रेशम जो है वो मादा रेशम को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है, ये बहुत अच्छी खासियत है। और सैतूत के वृक्ष पे रेशम कीट का पालन किया जाता है, और जो रेशम पालन है वो क्या कहलाता है, सेरी कल्चर कहलाता है, ठीक है, सेरी कल्चर कहलाता है। अब हम आगे एक चीज और देख लेते हैं, गिद्ध और चील की, गिद्ध चील और बाज की विशेषताएं देख लेते हैं। गिद्ध चील और बाज, ठीक है, इसकी क्या विशेषता होती है, ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो देखने की क्षमता होती है वो 4 गुना अधिक होती है, मानव की देखने की क्षमता से 4 गुना अधिक इसकी क्षमता होती है। किसकी? गिद्ध चील और बाज। आपने देखा होगा गिद्ध चील और बाज को उड़ते हुए, तो जो इनकी देखने की क्षमता होती है वो 4 गुना अधिक होती है, यानी मानव की देखने की क्षमता से 4 गुना अधिक गिद्ध चील और बाज की होती है। ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है, ऊंचे पेड़ की, ऊंचे पेड़ की ऊंची डाली पर, ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं? ऊंचे पेड़ की, एक तो ऊंचा पेड़ हो उसके ऊपर जो सबसे ऊंची डाली होती है वहां ये अपना घोंसला बनाती हैं, कि देखने की क्षमता मानव की देखने की क्षमता से 4 गुना अधिक होती है, और ऊंचे पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। गिद्ध चील और बाज अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? ऊंचे पेड़ की ऊंची डाली पर, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो हमने देखा कि कुछ पशुओं के बारे में कुछ विशेषताएं देखी, और जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में दी हुई है मोस्टली हमने उन्हीं लाइनों को लिया है यहाँ पे। अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पक्षियों के बारे में, जो भी गौरैया है या वीवर पक्षी है,
ठीक है, दर्जन पक्षी है, सबके बारे में हम सारी विशेषताएं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में लिखी हुई हैं लाइनें, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आप हमारे साथ बने रहिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, अक्सर इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आज के लिए हमारी यहीं पर क्लास समाप्त होती है, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को। थैंक यू।